वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ट्रेंडिंग न्यूज को लेकर बात करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विकी कौशल और कैटरीना की शादी हो गई है। हाँ भाई, ये सच बात है। उसके साथ साथ ही बहुत ही बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज भी है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि भाई सलमान खान की जो वन एंड ओनली क्रश जो कि थी कैटरीना कैफ, उसकी शादी हो गई है। यार कितनी बड़ी दुख की बात है। दुख की बात के टाइम में मैं हंस क्यों रहा हूँ भाई। खैर, इन बातों को यहीं पे रहने देते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विकी कौशल एंड कैटरीना कैफ के अंदर जो रिलेशन बन गई थी उसी रिलेशन को लेकर और उनकी शादी को लेकर टोटल 5 फैक्ट्स के बारे में जो कि मुझे पता चली है। और ये सब फैक्ट्स को जानने से पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि भाई उनकी शादी कब हुई है। 7 दिसंबर को उनकी शादी की संगीत हुई है, 8 दिसंबर को उनकी शादी की मेहंदी हुई है और 9 दिसंबर को उनकी शादी हुई है। जहाँ पर आपको नहीं पता तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई विकी कौशल कैटरीना से 5 साल की छोटा है। यार कितना बड़ी है कैटरीना, 5 साल। अगर आप गूगल करोगे तो भाई आपको पता चल जाएगा। आप ज्यादा बात ना करते चली जाते सीधा फैक्ट्स के ऊपर। तो फैक्ट्स नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर जो बात आती है वो बात आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि भाई विकी और कैट की जो शादी हुई है, यानी कि फिलहाल जो ऑफिशियल शादी हुई है, इससे पहले वो दोनों कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। हाँ, उनकी फैमिली मेंबर के सामने विकी और कैट ने कोर्ट मैरिज कर चुकी थी जब उनकी शादी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई भी नहीं थी। और जब उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी उसके बाद से उन दोनों की शादी को लेकर काफी तगड़ा रूमर चल रहा था कि भाई वो लोग शादी कर चुकी है, जिसकी वजह से उन लोगों को ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना पड़ा कि भाई हाँ हम लोग अब शादी करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 2, कैट और विकी की शादी काफी स्ट्रिक्ट तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ ही गिने चुने लोगों को इस शादी में इनविटेशन दिया गया है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो सारे बंदे आएंगे उन सभी को NDA क्लॉज नाम की एक साइन है, उसको कंप्लीट करके वो लोग शादी में एंटर हो पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बात है। और उसके साथ साथ वो लोग शादी के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते और कोई भी फोटोग्राफ नहीं खींच सकते हैं, फोटोग्राफी नहीं कर सकते शादी के अंदर। बाप रे बाप, ये तो भाई बहुत ही बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। फैक्ट नंबर 3, देखो जो लोग सेलिब्रिटी होते हैं वो लोग क्या करते हैं भाई शादी के लिए, वो लोग फॉरेन लोकेशन चूज करते हैं कि भाई हम लोग फॉरेन जाएंगे, वहाँ पे जाके बड़े बड़े जगह पे जाके शादी करेंगे। लेकिन कैट और विकी ने ऐसा नहीं करी है, वो लोग इंडिया में शिफ्ट हुई है, मतलब कि शादी के लिए। भाई शादी के लिए वो लोग कौन सी जगह चुनी है आपको पता है क्या? मैं आपको बोलता हूँ, राजस्थान के बरवारा में 6 सेंसेस प्लॉट नाम की एक विला है जिसको उन लोगों ने बुक करी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई वो 100 करोड़ में बिके है। वो नहीं, मतलब कि उनकी शादी 100 करोड़ में बिके है। भाई साहब काफी खर्चा किए है। और भाई साहब ये जो विला बुक करी है उसकी जो पर नाइट का जो खर्चा है वो लगभग 7 लाख के करीबन है। मानो अगर एक रात हमने वहां पर रुके 7 लाख देना पड़ेगा, यार हम तो फकीर हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 4, तो यार देखो ये सबसे ज्यादा बढ़िया और मजेदार फैक्ट है, क्योंकि इसी फैक्ट के अंदर हम आपको बताएंगे भाई कौन कौन सी बंदे को इनविटेशन मिला है कैट और विकी की शादी में। जहां पर कबीर खान, मिनी मथुर, नेहा दुपिया को पहले जयपुर में स्पॉट कर लिया गया था कि भाई हाँ ये लोग शादी में जा रहे है, जिसकी वजह से ये तो कन्फर्म हो गए कि भाई ये लोग शादी में है। उसके अलावा अगर बात करूँ स्टार लोगों की, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, उसके साथ कबीर खान भी इस शादी में जा रहे है, उनको इनविटेशन मिला है। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई सलमान खान को इनविटेशन तो मिला है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर भाईजान क्यों जा रहे हो यार? दुख होता है, यहाँ पे दर्द होता है यार, कर भी क्या सकते हैं, जिंदगी ऐसी है। और रिपोर्ट की मानो तो 120 बंदे को इस शादी में बुलाया गया है, जो कि काफी बड़े बड़े और स्टार लोग हैं। फैक्ट नंबर 5, तो यार देखो सेलिब्रिटी की शादी हो रही है तो शादी के अंदर जो फैशन के नाम आती है तो सबसे पहले जो नाम आती है वो आती है सब्यसाची की, जो कि बहुत ही बड़ी और कमाल के एक इंडियन फैशन डिजाइनर है। लेकिन कैट और विकी ने इनको चूज नहीं करी है, कैट और विकी ने जो चूज करी है कैट के लिए मेहंदी की काम करेंगे अब वो जानी, और उसके अलावा जो संगीत की काम करेंगे मनीष मल्होत्रा क्रिएशन। वहीं पर अगर बात करूं विकी की तो विकी ने अपॉइंट किया है कुणाल रावल एंड राघवेंद्र राठौर को, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, और ये लोग मेहंदी और संगीत की काम करेंगे। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमने जो 5 फैक्ट के बारे में बात करी है, तो अगर आपको पहले से 5 फैक्ट के बारे में पता था कि भाई हाँ ये तो सारे बात मुझे पता है, तो भाई बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता चली तो भाई मैंने जो बताई है उससे अगर आपको थोड़ी भी मदद मिली तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत ही कमाल का, नहीं देख रहे हो तो भाई कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, हो जाएगा, ऐसे ही चलते हैं दुनिया। तो आज के लिए बस इतना था, बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग।